अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल खालदास किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है स्पैगेटी। आज हम आपको बहुत ही लजीज और मज़ेदार स्पैगेटी घर में बनाना सिखाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले हम इसमें लेंगे चिकन। फिलहाल तो हम ये क्यूब्स बनाएंगे। इसको लग जाते हैं मैरिनेशन को 15 मिनट्स। आधा घंटा हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो 15 मिनट। और इसके अंदर हम आप क्या क्या डालेंगे मैरिनेट करते हुए? मैरिनेट करते हुए इसमें डालना है सॉल्ट, पेपर, वो कुटी हुई लाल मिर्च है, नहीं कुटी हुई नहीं है, पीसी हुई, पीसी हुई है, पीसी हुई दे दो। पेपरिका आना चाहिए, पीसी हुई लाल मिर्च डाल लेती होती मैं, कुटी हुई ना ना हो। ठीक है, फ्लेवर ही देना होता है, थोड़ा सा टेस्ट देना होता है, उससे यह है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता होगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देखें स्पैगेटी हमारे बॉयल हो गए। अगर आप बेक पार्लर की ले रहे हैं, ये बेक पार्लर की है, वेरी करता है आप किस ब्रांड को यूज कर रहे हैं। बेक पार्लर 17 मिनट्स में अच्छी कुक हो जाती है। बहुत खिचड़ी की तरह घी सी हो जाती है, एक दफा देख लें आप ही, आप जुड़ने लग जाती है। अगर बॉइलिंग टाइम पूरा 17 मिनट्स होना फिर ठीक रहती है। अब ये ओवर कुक होने लगी, इनको ऑलमोस्ट 17 मिनट्स हो गए। हाँ, इसके इससे ज़्यादा हो गई ना, फिर ये आपस में चिपक जाएंगी। जब ये इस तरह हो जाती है ना, बहुत ही बैंड सी, हाँ जी, इसका मतलब होता है ये कुक हो गई है। ठीक है, मैं तो थोड़ी सी चख भी लेती होती तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा बीच में रहना चाहिए क्रंच, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। इसको अब हम निकाल लें, निकाल दें ताकि ना ये फिर साथ में चिपकेंगी नहीं, खिचड़ी की तरह सेपरेट सेपरेट। ठीक है, थोड़ी देर गर्म पानी में अभी पड़ी रहेंगे, पड़ी रहेंगे, चिकनी में इसकी हो जाएगी वो चिकनी पूरी। तो बोनलेस चिकनी में तो आप तरीका आसान, क्यूब्स में काट लो या तो स्ट्रिप्स में काट लो। स्ट्रिप्स में और है वो ज़्यादा स्पैगेटी में अच्छा लगता है, लेकिन ये पहले से पापा कटवा के लाए तो ये ऑलरेडी क्यूब्स में था, तो मैंने इसको थोड़े और छोटे कर लिए क्यूब्स। इतना साइज हो क्यूब्स का ना, तो ये अच्छे से जल्दी कुक हो जाता है और जौन सा है ना, खाने में भी इजी रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट हाफ अ टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे रेड चिली। ठीक है, इसके बाद इसमें उतनी क्वांटिटी में हम सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट हम इसलिए ज़्यादा नहीं ऐड करते क्योंकि जो सा हमने बाद में मैक्रोनीज में भी डालना होता है, मैक्रोनीज के अंदर कुक्ड करने के लिए भी डालना होता है, इसलिए जो सा ना हाफ अ टेबल स्पून सॉल्ट होगा। हाफ अ टेबल स्पून जो सा है ये हमने लाल मिर्च डाली और चुटकी भर इसमें काली मिर्च, काली मिर्च इस वाली मैरिनेशन में कम डलेगी। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पूरा ये टेबल स्पून बड़े वाला जो सा हमें ऑयल का ले लेना है, बल्कि ये दो कर लेते हैं। ठीक है, बाद ये जो कैप है ना, ये बड़ी एग्जैक्ट मेजरमेंट देते हैं शिंदरीला के कैप्स जो उनसे है ना, ये मेरी परफेक्ट मेजरमेंट में काम आता है। मैं इसमें पूरा एक जो कैप है ना वो ऐसे मैं ये कर लेती हूँ और वो डाल देती हूँ। एक चिली सॉस का, हाँ सबका एक एक डाल देना, ये बड़े बेस्ट रहते हैं, स्टैंडर्ड साइज मैरिनेशन हो जाएगी सबकी। एक कैप सोया सॉस का, हाँ, और एक कैप कौन सा है जी विनेगर। वो हम डालेंगे बस एक टेबल स्पून इनफ होगा। ठीक है, हम ज्यादा डाल देंगे ना तो वो बहुत पाउडरी सा टेस्ट देगा और वो अच्छा नहीं लगता, एक टेबल स्पून इनफ है। और फान का कॉर्नफ्लोर सबसे बेस्ट है, वो यूज करना चाहिए, बाकी जो है वो फ्लेवर ही नहीं देते।
इसको अच्छे से मैरिनेट कर, इसको ऐसे मिक्स कर लेना, ब्लेंडर अच्छे से कर लेना ताकि सारों को लग जाए, ठीक है। अगर आपने मोर फ्लेवर्स में ऐड करना तो थोड़ा सा फोर्क से ना ऐसे ऐसे पिंच कर लो ताकि बोनलेस के अंदर जो है सुराख हो जाए, अंदर तक उसका टेस्ट चला जाए, सारों को ये जो एक ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और उसमें ये फ्लेवर ऐड अप हो जाए, सही। अच्छा जी, इसमें एक टेबल स्पून जो है शुगर का डाल लें, अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो फिर एक टीस्पून डाल लें। कई लोग शुगरी फ्लेवर लाइक करते हैं, सॉल्ट एंड सावर फ्लेवर की वजह नहीं ये स्पेक्टीज, अगर आप सावर फ्लेवर के साथ स्वीट सावर लाइक करते हैं तो ऐड करें उसके अंदर स्वीट, अगर नहीं लाइक करते स्वीट तो फिर आप जो सा रहें। वैसे ये मैं कहती हूँ हिडन इन्ग्रीडियंट जो है ना मेरी स्पेक्टीज का, वो शुगर है, बाकी लोग नहीं डालते, मैं शुगर डालती हूँ, उससे ही इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है और मजे का भी लगता है, ठीक है। अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे खाने में। पूरी कटिंग जो है ना ढेर सारी नाइफ हो उसके साथ कटिंग बोर्ड पे कटिंग करने का मजा ही और आता है, ठीक है। नाइफ को मैं हमेशा कटिंग से पहले थोड़ा तेज कर लेती हूँ ताकि ना ये बारीक बारीक से स्ट्रिप्स कटे, इतने इतने बारीक। वैसे तो लोग जो इस तरह का पीलर होता है उससे ऐसे पील भी कर लेते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बारीक हो जाता है। अच्छा, वो फिर बिल्कुल ही खिचड़ी की तरह बीच में ऐड अप हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो है ना फिर नाइफ से ही मैं बनाती हूँ। ये हाफ हमने बंद गोभी ले ली है, अब एक पैकेट अगर बना रहे हैं तो उसमें हाफ इनफ हो गए, अगर एक से ज्यादा बना रहे हैं आप उसमें फिर फूल पूरा, फिर बड़ा फूल नहीं है जो गोभी का, ये बड़ा फूल था, ठीक है, बंद गोभी का हमने हाफ डाला, हाफ डाला। शुरू को हमने लंबे लंबे से स्लाइस स्लाइस काट लेनी, ये कटिंग आसान हो जाएगी। उसके बाद जो है ये जो हमने जैसा ये बनाया है इसको हमने तिरछा रख के ना इस तरह इस लंबाई में काट ली, फिर ये लंबी लंबी बनेगी, ये शेप आ रही ऐसे काट ली, ठीक है। इस तरह इक्वल साइज की और इस तरह सारी बट कटेंगे, जब हम एक दफ़ा वो उसको लंबा काट के तो इस तरह तिरछा रख के काटेंगे, ये तो उसकी शेप बहुत अच्छी मतलब हाँ स्टैंडर्ड लगे। स्पैगेटी में यूजुअली इसी साइज की रहती है, सारी एक साइज की कट, थोड़ी सी ब्रोकन हो गई थी मैं इसको यहाँ पे, थोड़ा सा अंदर से भी वॉश कर लें, इस तरह से ना सीड भी निकाल गिर जाते हैं ये जो अंदर होते हैं ना, वैसे नाइफ से निकालना मुश्किल हो जाता है इनको। ये भी थोड़ा ब्लैक पोर्शन काट दें, इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली। अब इसके बाद जो है इसको भी ऐसे रख के ना जैसा मैंने बताया ना तिरछी कटिंग करनी है ऐसे ही इसकी भी तिरछी कटिंग ताकि ये भी लंबी लंबी इसकी भी लंबी। हाथ से थोड़ा सा कर लेना ताकि अच्छे से लदा लदा बॉयल हो गई है, इसको ड्रेन कर लेना। लोगों ने जो सा है ना जस्ट कैंडाइज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इतना सा मैंने डाला है,
अंडा गीला हो जाए उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जी अपना चिकन चिकन से पहले थोड़ी गोल्डन कर लेते हैं, फिर लाइट से ही गोल्डन करना है, इसमें ज़्यादा नहीं करना। पहले ये डालें, इसके बाद हम लोगों ने साथ ही डाल देना ताकि ना ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन करने का भी तरीका ये होना चाहिए कि आप इसको थोड़ा फ्लेम हाई रखें, पर जब कलर इसका हो जाए ना वाइट सा चिकन का, दैट मीन्स इसका फ्राई फ्राई करना का प्रोसेस वो कम्प्लीट हो गया फ्राइंग। कच्चा चिकन है, कच्चा चिकन जो था उसको टाइम लगता है फ्राई करना, जब हम बॉयल्ड चिकन ऐड करते हैं वो तो फटाफट ही हम बाकी एक इंग्रीडियंट ऐड कर लेते हैं, तो टाइम लग जाता है। अब हम इसके कलर चेंज होने का वेट करेंगे, वाइट वाइट कलर हो जाए। चम्मच ग्रेजुअली हिलाते रहना, वरना नॉन स्टिक सिर्फ जगह नहीं, अगर आपका नॉन स्टिक नहीं है ना बर्तन। इससे क्या होता है कि जब आप इस टाइम पे डालते हैं ना तो ये जो है चिकन को बॉयल करते हैं कि सॉसेज इसमें बॉयल हो जाएगा, तो इसमें ये ज़्यादा फ्लेवर ऐड हो जाएगा चिकन में ना, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इस टाइम पे अगर हमारे अगर हम वेजिटेबल्स डाल के फिर डालेंगे फिर भी मज़ा आएगा, ये टाइमिंग भी मैटर करती है। अब इसके अंदर हम इसको ढक देंगे ढक्कन को, फिर इसको हल्की आँच पे ना इसको कुक कर देंगे, इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि ये जो सा है 2-3 मिनट्स के अंदर ये अच्छे से ना अंदर तक कुक हो जाएगा, बल्कि अगर 5 मिनट्स रख लें तो वो बेस्ट है। फ्लेम भी दिखा दो, हल्का सा फ्लेम, लो फ्लेम पे हमने जरा कितना सॉफ्ट लग रहा है, और इसके सॉफ्ट हो जाने के बाद चिकन के अब हमें टाइम का प्लस टेस्ट बना रखना चाहिए। सबसे पहले स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, स्पाइसेस जो आपके टेस्ट के हिसाब से चाहिए, हम लोग बहुत माइल्ड स्पाइस खाते हैं इसलिए मैं ये एक टेबल स्पून काली मिर्च डाल दूँ, ठीक है, हल्की हरी मिर्च डालें और इलायची आपको डाल दें, एक ही टेबल स्पून सॉल्ट का डाल दिए, अच्छा एक टेबल स्पून जीरे का डाल दिए, चाल
रखना है। पहले हम डालेंगे सबसे पहले गाजर, गाजर इसका कुकिंग टाइम सबसे ज़्यादा होता है, वरना ये जो हम अंदर कट्टी डालेंगे ना तो ये खड़ी खड़ी रहेगी, बाकी वेजिटेबल्स हमारी जो उनकी सारी बैठ जाएंगी, खुश हो जाएंगे। और इसमें सब कुछ क्रंची मसाला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसको, गाजरों को ज़रा ज़्यादा टाइम लग रही है कुकिंग में, इसलिए हम मैंने पहले ऐड कर लिया। हाथा लगाते रहना नीचे लगे ना आप, इतना नहीं लाना कि बोनलेस चिकन है उसका ट्यूमर ही हो जाए। सालन वाले स्पून से मैं ये कर रही हूँ, इसके अंदर केचप एक चम्मच पूरा भर के डाला, जिसे हम खानों में सालन डालते हैं, दो चम्मच से ना, अगर आप ज़्यादा केचप फ्लेवर लाइट करते तो और ऐड कर लें, नहीं तो पूरा हो देने का। अब इसका जो लिक्विड होगा ना उसमें गाजर नीचे से कुक हो जाएंगी, बन गई नजर आ रही है। अब इसमें बाकी है वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, बाकी वेजिटेबल के अंदर कैप्सिकम है हमारे पास, कैबेज डाले, उनको इतना फ्राई करना है कि ये जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, टू मिनट्स और मोर देने ना, इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही चाली का हिस्सा निकल जाएगा। तो बहुत समझदार नहीं हिलाना तो बेशक स्टीम में कुक कर लो, इतनी देर में ये थोड़ी हो जाएगी। हमने स्पेक्टिस के साथ जो ऐड ऑन करना है वेजिटेबल्स को सब कुक हो जाए, हाँ उसके साथ भी दम नहीं कुक हो जाएंगे। और ये हमने बेची हुई है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ये तो हमारे पास कंटेनर साइज होगा, कढ़ाई से अगर आपकी साइज में उतरी है कढ़ाई तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने चाहे जिस तरह लगाते हैं बिरयानी के अंदर, वैसे हमने पैकेटिंग जो होती है ना पहले इसको बॉयल करने के बाद कोल्ड वाटर से अच्छे से रिंस कर लेना है ताकि इनकी हीट जो थी वो निकल जाए, वरना ये बहुत जोन सा है ना वो हीट जो रह जाती है इसमें उससे बहुत सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से धोने से ये जोन सा है ना ये सेपरेट भी देखो कितनी हो रही है, अलहदा अलहदा है कि ठीक है चिपकी हुई नहीं है, जितनी ये सेपरेट होगी उतना ही अच्छा जोन सा है इसमें ही मिक्स होंगी। इस तरह से ना आपको ज़्यादा स्पेक्टी बनानी नहीं पड़ेगी, टूटेगी नहीं और जो सा है इक्वली जो है टेस्ट सारा उसको
उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। नए आने वाली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।